हम लोग समझते हैं। अब क्या है, चूंकि आज का टॉपिक बहुत सारी भाषाओं के से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब हम एक भाषा को जानते हैं तो हम मोनोलिंग्विस्ट या मोनोग्लॉट, दो भाषा के जानकार हो तो बाइलिंगुअल लिस्ट बाई और प्लॉट कह सकते हैं, तीन भाषाओं जानकार तो ऐसे ही ट्राई, और ऐसे बहुत सारी भाषाओं के जानकार तो पॉली, इस प्रकार के प्रेफिक्सेस लगते हैं। इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को जो डिफाइन करते हैं तो ये इसमें दो या अधिक भाषाओं में संप्रेषणीयता की जो क्षमता है यही मल्टीलिंगुअलिज्म है। और इस प्रकार का जो संवाद करता हो, कम्युनिकेटर हो, तो मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट उसको कहते हैं। अब इसके भी जो जितनी भाषाओं के जानकार हो उसके हिसाब से प्रेफिक्सेस लग सकते हैं। आगे के स्लाइड में आप देख सकते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड्री, क्विंके, सेक्सा, सेप्टी, सेप्टा, उसको हेप्टाग्लॉट भी बोलते हैं, नोवे, नोना, एनियाग्लॉट, 11 भाषाओं 10 भाषाओं जानकार को डेकाग्लॉट, ऐसे 11 भाषाओं जानकार को अंडेका या हेल्डेका ग्लॉट ऐसा बोल सकते हैं। एक डेटा है जो हमने कलेक्ट किया आपके लिए, इसमें हाइपर पॉलीग्लॉट की चर्चा हमने की है, जो 7 या उससे अधिक भाषाओं के जानकार हो तो हाइपर पॉलीग्लॉट। दो उदाहरण हमने रखे हैं आपके लिए, लाए हैं, लाइबेरिया में जन्म हुआ जियाद फजा का, जो अभी ब्राजील में रह रहा है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि 59 भाषाओं में वो बात कर सकता है, इसलिए वो हाइपर पॉलीग्लॉट है। उसी तरीके से एक है, इटली के पुजारी हैं, इटालियन प्रिस्ट हैं, जिनका नाम है जोसेप कैस्पर मेजोफेंटी, ये 72 भाषाओं में उनकी जानकारी है। इस प्रसंग में हमने एक नोट लिखा है, नीचे आप देखा होंगे स्लाइड में, कि रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स व्हाइल इन यूट्रस। मैंने यहाँ संकेत में इसलिए लिखा है कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार से बहुत सारी भाषाओं के प्रति अभिरुचि होना, उसकी समझ होना, उसकी पकड़ हो जाने की क्षमता का एक वैज्ञानिक संदर्भ, जब वो व्यक्ति गर्भावस्था में होता है तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके सिक्रेशन से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। हम सबको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है हम सब भी इस दिशा में अनुसंधान करें और जानकारी हासिल करें, और क्या इसके लेवल को एनहेंस करके हम लोग भी पॉलीग्लॉट हो सकते हैं क्या, इसी सेंस में हमने इसको रखा है। पॉलीग्लॉट होने के लिए एक और भी एग्जाम्पल हमने स्क्रीन पर आप लोगों को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय जो मुंगेर में है, बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर भी कहा जाता है उसको, जो अभी वर्तमान में परमाचार्य श्री स्वामी निरंजन सरस्वती जी, उनके बारे में आपको जानकारी होगी, आपको हो सकता है, वो हम लोगों की तरह उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन कभी हुआ नहीं, लेकिन उनके बारे में है तो जिस देश में जाते हैं उस देश की भाषा में वो बात कर सकने में समर्थ है। और इसलिए हमने लिखा है कि स्वामी निरंजन सरस्वती कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। अब ये बात थोड़ा अटपटी लगती होगी, लेकिन आश्चर्य करने की बात नहीं है। एक और भी उदाहरण जो कि मैंने स्लाइड पे नहीं दिया लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ, पंडित श्याम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार गायत्री तपोभूमि, एक बार की बात है, तो अपनी जो अखंड ज्योति पत्रिका छपती है उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत वोरेसियस रीडर भी थे और आप में से कई लोग इसके पाठक भी हुए, आप देखते होंगे कि विचार क्रांति अभियान के दृष्टि बहुत सारे साहित्य उसमें छपते हैं। तो एक बार की बात है कि उन्होंने अपने एक किसी व्यक्ति से, अपने शिष्य से कहा एक मैगजीन लाने को, जो मैगजीन बिल्कुल लेटेस्ट वो अमेरिका का कोई मैगजीन था, ध्यान में नहीं आ रहा है कोई मैगजीन था, और अंग्रेजी भाषा में वो था। तो जब उन्होंने कहा कि जाओ उस मैगजीन को लाओ, तो उसको लगा कि तो गुरुजी तो अंग्रेजी जानते हैं नहीं, पढ़े हैं नहीं, समझेंगे कैसे, वो समझ गए इस बात को,
और उन्होंने जवाब दिया, उस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हरिओम, ये जवाब उन्होंने दिया था कि ऋषि भाषा के बंधन से मुक्त होते हैं। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझें, मैं एक और एग्जांपल भी कोट करना चाह रहा हूँ, प्रसंग बस अभी ध्यान में आ गई बात। एक बार की बात है, राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन हो रहा था और ऐसा हुआ कि देश के डिफरेंट डिफरेंट कोने से चार कवि उस मंच पर उपस्थित थे, जो पहली बार अपनी रचना के साथ उस पर उपस्थित हुए थे। और संयोग से सबकी रचनाएं एक ही थी, एक ही वर्ड, एक ही कंपोजिशन। तो जब पहला कवि उठा तो बाकी तीन को लगा कि शायद मेरी कविता की मेरी चोरी हुई है, स्वाभाविक था। लेकिन सच ये भी था, पहली बार वो आए थे और पहली बार प्रेजेंट ही कर रहे थे। इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो यहाँ इसकी वजह क्या होती है कि रचनाकार जब प्रकृति के उस रिदम के साथ ट्यून्ड होता है, तो वो चारों कवि के साथ ऐसी घटना घटी होगी, चारों एक ही समय में एक ही चीज के साथ ट्यून्ड हो गए होंगे और एक ही रचना सबके हृदय में फूटी होगी और अभिव्यक्त हो गई। ये निर्भर करता है कि रचनाकार या साधक या उस वो भाषाविद, अभी भाषा के विद के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो प्रकृति के उस फ्रिक्वेंसी के साथ वेल ट्यून्ड हो गया है क्या। ऐसा होता है तो सब में एक ही बात उठती है, इसलिए ऐसा असंभव नहीं है। और योग शास्त्र में इसकी तमाम संभावनाएं हैं कि वो असंभव नहीं है योगियों के लिए किसी भी भाषा में पहुंचना, क्योंकि वो जिस धरातल पर होते हैं उन्होंने अपना विकास इस स्तर पर कर लिया होता है कि किसी भी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको समझ जाएगा। और इसलिए संयोग से उसी की भाषा में उसको उत्तर देना, रिस्पॉन्ड करना उनके लिए कठिन नहीं होता। तो मैं आगे की स्लाइड में इस बात की चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मल्टी लिंगुअलिज्म को जो अंगीकार करने की बात हम लोगों को इसलिए भी करनी है कि अब नए सत्र में NEP 2020 के तत्वावधान में हम लोगों को भाषा शिक्षण भी उसी शिद्दत से करनी है, उसमें इस चीज को एडवोकेट किया गया है, आज इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं की चर्चा कर लेते हैं जिसके वजह से हमको रुचि नहीं होती है। हो सकता है इसमें अभी कई ऐसे लोग जुड़े हों जिनको इनका संबंध भाषा से नहीं हो, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि काश ऐसा होता कि हम कुछ सीख पाते, लेकिन उनको पता नहीं होता कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिसके चलते वो इसको ओवरकम नहीं कर पाते और एक से अधिक, दो से यदि या तीन से अधिक भाषाओं में अपनी दक्षता, प्रोफिशिएंसी विकसित नहीं कर पाते। तो चार हमने ऐसे डिसएडवांटेजेस सो कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म को इम्ब्रेस करने में जो संभावित है उसको हमने नोट किए हैं, और आप जैसे मनीषी अगर इस पर अनुसंधान करें तो इसकी सूची और बढ़ भी सकती है। तो हमने पहला लिखा है कि स्ट्रगल टू लर्न न्यू लैंग्वेज। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ एक स्थिति होती है, वो नई भाषा सीखने में उसको संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष की स्थिति से गुजरता है। दूसरी है कि सीखना तो चाह रहा है लेकिन उसको सिखाने वाला कुशल व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो लैक ऑफ स्किल्ड एडुकेटर की भी एक समस्या होती है जिसके चलते वो एक से या दो से अधिक भाषाओं की सम्यक जानकारी होने में कठिनाई महसूस होती है। तीसरा हमने लिखा कि शिफ्टिंग ऑफ द फोकल अटेंशन ऑफ द लर्नर। तो व्हेनएवर अ लर्नर हु इज विलिंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, विशेष टू न्यू लैंग्वेज वन, तो ही और शी विल हैव टू शिफ्ट from his own learning towards that very language. तो जब चित्त की ऊर्जा जो है, जब जिस विषय में उसकी अभिरुचि वहां से हट के दूसरे सीखने में लगेगी, तो उसकी जो साइकिक एनर्जी है दूसरी ओर शिफ्ट होती है। तो इस सेंस में शिफ्टिंग ऑफ फोकल अटेंशन ऑफ द लर्नर की चर्चा हमने की है।
सो भाई के डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन ये एक इम्पेडिमेंट जैसा फील होगा। चौथा हमने लिखा है इंडिविजुअल लैंग्वेज लॉस स्पेशली एट चाइल्डहुड। अब ये समस्या से हम लोगों तो कई दशकों से हमने देखा भी होगा घरों में, खास करके मैं कहले कि शिक्षा पद्धति के नकल करने वाले जो संस्थान है वहां से बचपन में, या उसके चलते चूंकि समाज ऐसा होता है तो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि जिस हम उसी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराएंगे कि बिल्कुल अंग्रेजी फर्राटेदार वो बोलना शुरू कर देगा या कर देगी। तो ऐसे स्कूल में नामांकन होता है, भले घर की पृष्ठभूमि किसी दूसरी भाषा की रही हो लेकिन बच्चे के दाखिला उसमें होता है। अगर ऐसा उस तरह का एनवायरमेंट दे दिया बचपन से तो निश्चित रूप से उसका जो अपना नेटिव लैंग्वेज है उसके लॉस होने के या उसमें उस डिग्री की दक्षता नहीं होने की पूरी संभावना सुनिश्चित हो जाती, होगी भी। तो इसी सेंस में हमने लिखा है कि इंडिविजुअल लैंग्वेज लॉस स्पेशली एट चाइल्ड। तो लेकिन अब जिस उद्देश्य से मल्टीलिंगुअलिज्म को एडवोकेट हम लोग करने जा रहे हैं, इसको फोस्टर करना है, तो उस दृष्टि से जो इस लाभ है, लाभ बहुत है, उसको हम लोग देखें, इसमें रुचि जगी है, तो हमने एडवांटेजेस गिनाए हैं। पहली बात यह है कि वोकेबुलरी डेवलपमेंट होता है, जब बहुत सारी भाषा कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा की शब्दावली, उस भाषा में जो वोकेबुलरी या शब्द भंडार है उसको सीखना पड़ता है प्रकारांतर से, तो वोकेबुलरी एनरिचमेंट उस लर्नर का होता है। और जब भी शब्द का भंडार बढ़ता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो जिस व्यक्ति का शब्द भंडार काफी समृद्ध हो उसका रीजनिंग पावर, तर्क युक्त चिंतन करने की जो क्षमता है, रीजनिंग पावर, ये बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती है। और यही चाहिए भी, क्योंकि शब्द के टर्म में ही हम सोचते हैं और शब्द भंडार जितना अधिक चिंतन की शक्ति उतनी ही प्रखर होती है, बढ़ती है। तो ये पहला एडवांटेज है कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट होता है। दूसरा है कि सोशल एडेप्टेशन इज एनहेंस्ड, हमने लिखा है। अब जिस भाषा में दक्षता बढ़ेगी तो उस भाषा में बात करने वाले लोगों से इंटरेक्शन होगा तो उनसे हमारा सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और उनकी बातें हम तक, उनके जो विचार है हम तक पहुंचेंगे, तो सामाजिक रूप से जो अनुकूलन की जो स्थिति है वो संवर्धित हो, एक लाभ ये भी है। तीसरा हमने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज व्हेनेवर वी बिकम मल्टीलिंग्विस्ट, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं और हम में से किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है कर्नाटक में, अगर व्यक्ति कन्नड़ जानता है तो उसको बहुत सुविधा होगी वहाँ काम करने में, एंड सो ऑन। ऐसे ही किसी भी संदर्भ में इसको आप समझ सकते हैं। तो अधिक से अधिक भाषा जानने वाले के लिए रोजगार के अवसर डिफरेंट रीजन्स में उसके लिए बड़ा सुगम हो जाता है और भाषागत भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब कोई फ्रेंच जानता हो तो दुभाषीय की नौकरी पर्यटन क्षेत्र में, वो पर्यटन स्थलों में आप देख सकते हैं। कोई जापानीज जानता हो, चाइनीज जानता हो तो वहाँ के जो पर्यटक आते हैं, तो इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको काफी विकसित होते हैं, उसका संवर्धन होता है। ये मल्टीलिज्म का एक बहुत ही सशक्त बेनिफिट है। और जब ऐसा है तो हमने चौथा लिखा है कि इनोवेशन फॉर ग्रेटर कम्युनिटी, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत सारी भाषाओं को जानकर करेगा क्या, केवल उनकी बात समझने और अपनी बात व्यक्त करने के लिए तो भाषा नहीं है। जब भाषा में बोलने में दक्षता आती है तो उस भाषा के संदर्भ में, उस भाषा से संबंधित जो साहित्य है या फिर उस भाषा को बोलने वाली जो कम्युनिटी है, समुदाय, उनके लिए कुछ नवाचारी, कुछ भी हेल्प करना, कुछ करने की जो बात है उसमें भी वो मददगार साबित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस गिनाए हैं। एक डेटा हमने पाया इस प्रसंग में जब आप लोगों के लिए इस पर काम कर रहा था, अगले स्लाइड में हमने इसको लिखा है कि देख भी रहेंगे कि इसमें रिकॉर्ड में एक बड़ा हमको आश्चर्य लगा, यकीन भी नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस डेटा को खंगाले,
कि भारत ने 220 भाषाओं या बोलियों को गत 50 वर्षों में उसने खो दिया है। इसका मतलब है कोई इस प्रकार का लिंगुअल इन्वेजन हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें इस प्रकार की बोलियां भाषाएं जरूर नष्ट हो गई होंगी। भाषा विज्ञान वाले अपने आचार्य से आग्रह है कि वो इस पर अनुसंधान करें। यूनेस्को का भी रिपोर्ट है 197 भाषाओं को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं जरूर लिंगुअल इन्वेजन का संकेत मुझे इसमें नजर आ रहा है। तो इससे बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा अगर मरती है तो एक सभ्यता एक संस्कृति का क्षरण होता है, ऐसा मैं मानता हूँ, और ये ह्यूज लॉस है। इसीलिए एनईपी पर्सपेक्टिव की हम चर्चा कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने लिखा है कि खास करके हम लोगों के संदर्भ में जहाँ वो बात करती है कि कम से कम 2 नेटिव ओरिजिन की भाषाओं और एक तीसरी भाषा, और इसीलिए हम लोग त्रिभाषा सूत्र अपनाते हैं जिसमें हिंदी संस्कृत अंग्रेजी हम लोग पढ़ा रहे हैं, या इससे भी और अधिक भाषाओं की जानकारी का स्कोप है। तो मिनिमम इतने की चर्चा एनईपी भी वकालत करती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब व्हाट इज द रैशनली बिहाइंड एट दिस वेरी एडवोकेसी बाय एनईपी 2020। तो वो हमने लिखा है कि फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड ए बेटर वर्ल्ड विथ एक्विटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी बढ़ने से सुनवाई किया, जहाँ सोशल एडेप्टिविटी बढ़ेगी, सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन मिलेगा और एक खूबसूरत बेहतर दुनिया जिसमें समता होगी, मानवीय गरिमा की बड़ी कद्र होगी, तो एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाने में हम लोग कामयाब होंगे। इसी लक्ष्य को लेकर एनईपी जो है इसको चाहती है कि जो लर्नर्स हैं उनको स्कोप मिले बहुत सारी भाषाओं को अंगीकार करें। जब ये ऑब्जेक्टिव है तो दिस ऑब्जेक्टिव हैज टू बी फुलफिल्ड बाय अस, हम ही लोगों को काम करना है इस पर। एनसीईआरटी ने योजना बनाई, पूरे देश भर के सारे लोगों ने तय किया योजना को क्रियान्वित, तो हम ही लोगों को करना है। इसलिए अगले स्लाइड में हमने चर्चा किया है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस वन स्पेशली इन आवर अकेडमीज, जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, अगर हम इस चीज को कैसे लागू करें। हमने कुछ सेशंस दिए हैं और सजेशन के इस लिस्ट में आप जहां हो इसकी सूची को बढ़ा सकते हैं। पहला हमने लिखा है कि क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर पैसिव लर्निंग। हमने कहीं और आगे के ही पॉइंट हमने लिखा है कि नेवर कंपेल एनी लर्नर टू लर्न ए लाइन। दबाव मत दीजिए, बाध्य मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए, लेकिन पैसिव लर्निंग का बिल्कुल माने वो लर्निंग हो ही जाए, उस भाषा में सीखने की संभावना सुनिश्चित हो ही जाए, इसके लिए वायुमंडल तैयार कीजिए, पर्यावरण तैयार कीजिए, इसके लिए वातावरण तैयार कीजिए। ये 2 सुझाव हमने दिए और इसीलिए इस कड़ी में आवश्यकता पड़ेगी स्किल्ड ट्रेनर्स की, स्किल्ड एडुकेटर्स की, तो उसको अपॉइंट करना चाहिए जो उस भाषा विशेष के चारों कौशलों के प्रति एकदम एक्सपर्ट हो, दक्ष हो। तो अगर अपॉइंट करते हैं स्वाभाविक है उसका और उसका आभा मंडल इस प्रकार के पैसिव लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत कारगर साबित होगा, तो उसको करना चाहिए। चौथा हमने लिखा है कि चलिए ये सब चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग हम में से कोई व्यक्ति चाह रहा हो या कोई भी चाहता है, चलो भाई हम अपने स्तर से ही प्रयास करते हैं कि इसको लागू करें और इसमें अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाएं, दक्षता बढ़ाएं, तो क्या कर सकते हैं। तो हमने लिखा है कि बिगिन द सेशन विथ नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमने शुरू में ही कहा कि भाषा का संबंध हृदय से, और हृदय यदि बेचैन हो, आपके अंतःकरण में बेचैनी हो, उद्विग्नता हो, तो आप स्वयं को ठीक से पहचान नहीं पाइएगा, और उस स्थिति में जो अभिव्यक्ति होगी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कितनी संतुलित होगी। इसलिए आवश्यकता है कि उत्कृष्ट सर्जना और अनुभूतियों का व्यवस्थित अगर उसका संप्रेषण हो, उसका निस्सरण हो, वो निकले, तो बिल्कुल श्वास प्रश्वास की गति बहुत गहरी धीमी होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए संक्षेप में। इसलिए इस तरह के सेशंस जब भी शुरू किए जाए
तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम बिल्कुल, इसमें हम अनुलोम विलोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है, बिल्कुल अत्यंत जो धीमी गति से गहरी सांस लेना, आपका जो भी ब्रीदिंग रेट है उसको लेसन कीजिए, दैट विल एनहेंस योर प्रोफिशिएंसी, इसको करना चाहिए, मदद मिलेगी। और तब देखिएगा कि अगला जो पॉइंट है जहां हमने लिखा है कि टेक सेपरेट ट्रेनिंग सेशंस फॉर LSRW मींस लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जिस किसी भी भाषा में हम दक्षता चाहते हैं, मास्टरली कमांड चाहते हैं, हम सबको पता है उस भाषा से संबंधित ये चार कौशल पर एकाधिकार चाहिए तो चाहिए, इसमें कोई समझौता करने की चीज नहीं है। समझौता तो करते ही है, काम चल जाता है, लेकिन हम लोग जिस तरह के ट्रेनर्स यहाँ भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक इनर अर्ज होना चाहिए कि हम जिस किसी भी भाषा में बात कर रहे हों उसमें हमारी लिसनिंग का स्किल, सुनने की जो कौशल है, स्पीकिंग स्किल, उस भाषा में बात करने की, संभाषण करने का जो कौशल है, रीडिंग स्किल, उस भाषा में कोई बात लिखी हो तो पढ़ने का वाचन कौशल जो है, राइटिंग स्किल, उस भाषा में लिखने का जो कौशल है, इस सब में हम दक्ष हों। तो ये दक्षता हासिल करने के लिए हम लोगों को अलग अलग, कभी लिसनिंग के लिए लगाया, कभी स्पीकिंग के लिए स्पेशल लगाया, कभी रीडिंग के लिए स्पेशल लगाया, कभी राइटिंग के लिए स्पेशल लगाया, इस प्रकार के अलग अलग सत्र लेने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उसको और स्पेसिफिक बनाने के लिए अगले पॉइंट हमने लिखा है कि प्रिपेयर ग्रेडेड मॉड्यूल्स फॉर ईच ऑफ दिस। हम लोगों को डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करना होगा, तो उनके लर्निंग लेवल को ध्यान में रख करके उस मॉड्यूल्स तैयार करना होगा, चाहे लिसनिंग का मामला हो, चाहे स्पीकिंग का हो, चाहे रीडिंग या राइटिंग, तो ये करना होगा। और तब हमने नीचे भी लिखा है कि प्रिपेयर स्मार्ट गोल्स फॉर एवरी स्किल इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, हमको तय करना होगा कि जिस एज ग्रुप को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का, तो उसमें क्या, कितना उसका लक्ष्य तय करें। स्मार्ट गोल्स की चर्चा हम सभी लोग कर चुके हैं, स्मार्ट SMART स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं, समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इशारा काफी है आपके लिए, तो वो करना हो। एक स्लाइड में हमने इसी कड़ी में लिखा है कि जब NAP 2020 कम से कम तीन भाषाओं में इस प्रकार की दक्षता की चर्चा जब वो कर रही, तो खासकर हमारे करिकुलम का पार्ट बनने वाला है, इस क्रम में मेरा एक सुझाव है जो हमने पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन वन लैंग्वेज शुड बी गिवन। अब बहुत सारी भाषा सीखना चाहते थे, एक ही समय सारी भाषा पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा कहना है। लर्नर के लिए किसी एक समय में एक अवधि विशेष के लिए किसी एक भाषा पर एकाग्र होने का सुझाव, ये मेरा मंतव्य है, दिया मैं दे रहा हूं। देन द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट एंड द थर्ड वन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। अब जैसे मेरे कहने का आशय ये है कि अगर पूरे साल भर में हमको संस्कृत भी पढ़ानी, हिंदी पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ानी है, बिल्कुल अपने संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इसलिए आगे हमने उसको तोड़ के लिखा भी है कि हेंस इन आवर पर्सपेक्टिव वी शुड कंप्लीट द सिलेबस ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, क्योंकि हिंदी और संस्कृत बिल्कुल थोड़ा सा मिलते जुलते और हम लोगों के लिए बड़ा आसान है, इसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीने में पूरे होल एकेडमिक सेशन का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़ा आसान रहता। और फिर फ्रॉम सितंबर वी शुड प्लान टू बी फोकस्ड ऑन इंग्लिश टिल फरवरी, सितंबर से फरवरी महीने के लिए तीसरी भाषा, जो चूंकि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में और यहाँ लोगों को कठिनाई होती है, जैसे अंग्रेजी के संदर्भ में हमने ऐसा सुझाव दिया, ऐसा किसी के लिए भी किया जा सकता है। और तब इन द मंथ ऑफ मार्च लर्निंग ऑफ द फोर स्किल्स टू बी टेस्टेड, अभी तीन पूरे साल भर में हमने सिखाया है, हम लोग साइमल्टेनियसली इसमें बिल्कुल जो सिखा रहे होते हैं उसमें भी ग्रेडेड ये काम कर सकते हैं, या बाई द एंड ऑफ एक भाषा के शिक्षण को, प्रशिक्षण को कंप्लीट करने के बाद भी उससे संबंधित प्रोजेक्ट वर्क या उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर अपने आप को
प्रमाणित कर सके कि उस भाषा में चारों कौशलों को उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से विकसित किया है, तो कर सकते हैं। और नहीं तो मार्च महीने में हमने लिखा है कि द फोर स्किल्स बी टेस्टेड थ्रू प्रोजेक्ट वर्क स्पेशली डिजाइन वर्कशीट, क्योंकि हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप के लिए काम करते हैं, सबको एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अगले स्लाइड में हमने इस बात की चर्चा की है कि इसी क्रम में हम लोगों को लिटररी कंपटीशंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स, तरह तरह के रूप वाले साहित्यिक जो प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, आप लोग खुद चयन करें किस एज ग्रुप के लिए क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स बी प्रेजेंटेड इन एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल और ऑन सच टाइप्स ऑफ ओकेजंस, बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर अपने आप को उस कौशल का प्रदर्शन कर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट हमने लिखा है, लेकिन इस तमाम कोशिश को इसमें एक बार फिर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि नेवर कंपेल, नेवर प्रेशराइज एनी वन टू लर्न द लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज को माने जबरदस्ती सीखने के लिए बाध्य मत कीजिए। माने मैं चाह रहा हूँ, सीखना है, सिखाना जरूरी है, तो ये स्पॉन्टेनियसली हो, लर्निंग स्पॉन्टेनियस हो, सहज स्फूर्त रूप से हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए, दबाव में नहीं। क्योंकि दबाव में इस प्रकार की चीजें हो ही नहीं सकती, दबाव में हृदय से लगाव नहीं होता, और भाषा का संबंध बिल्कुल अंतःकरण से, हृदय से है। इसलिए कंपल्सन, प्रेशराइजेशन, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ये जस्ट प्रोवाइड द एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर दैट, इसीलिए उसके लिए जो अनुकूल वातावरण बनाना है, ये बस हम लोग ये बनाए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोग जानते भी है कि एबीसी ऑफ टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट, हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, फिर भी हम लोग शिक्षक कहलाते हैं, सही बात है, तो रोल दूसरा है। लेकिन जब किसी को सिखा नहीं सकते, फिर सीखना होगा कैसे? टीचर का काम है लर्नर का लर्निंग एंश्योर करना, इसके लिए वो टीचिंग वाला सो कॉल्ड जॉब करता है, सो कॉल्ड जिम्मेदारी निभाता है। इसीलिए एबीसी ऑफ लर्निंग को भी उसने डिफाइन किया था, एबीसी ऑफ लर्निंग इज सीइंग मच, रीडिंग मच, सफरिंग मच। तो ये तीन के अवसर हम लोग अपने परिसर में या अपने वर्क प्लेस में या वर्कशॉप में या जहां पर जिस लर्नर को हम किसी भी चीज को सिखाना चाहते हो, ये भाषा पर ही लागू नहीं, किसी भी चीज के लिए लागू है, तो उसके लिए बस ये तीन चीज का अवसर दे ना दें, लर्निंग ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। 100% नहीं, उसमें इतनी एनहेंस डेवलपमेंट आप देखेंगे कि लर्नर की प्रोफिशिएंसी ऐसी बढ़ेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो लर्नर को सीइंग मच, रीडिंग मच, सफरिंग मच का अवसर पर प्रदान कर दें, इसी सेंस में एनवायरमेंट को कंडीसिव बनाने की बात मैंने 11 नंबर पॉइंट में हमने जिक्र की है। और इसीलिए इसमें रोल हम लोगों का आता है कि डिस्कवर द बेस्ट ऑफ फैसिलिटेटर विद इन यू, विद इन अस, टू हेल्प द लर्नर लर्न द लैंग्वेज स्किल्स। शिक्षार्थी भाषा के उन कौशलों को सीख सके, उसकी मदद करने लायक हम हो सके, बहुत ही कुशल उसको मददगार साबित हो सके, अपने अंदर का द बेस्ट फैसिलिटेटर जो है उसको एक बार रीडिस्कवर करने की आवश्यकता है। यानी कि इन ऑर्डर टू फॉस्टर मल्टीलिंगुअलिज्म वी नीड टू रीऑर्गेनाइज आवर लैंग्वेज स्किल्स, ये मेरा कहना है। इसको बड़ी गंभीर देखो, ये साधना मांगती है, इतना आसान काम नहीं है, कठिन भी नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन हाँ इसको बहुत ही पद्धति मूलक तरीके से बड़े ट्रू स्पिरिट में लेने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है, क्योंकि हम लोग पढ़ा तो हम तो सिखाना हम लोगों का लक्ष्य है, और इसीलिए प्रसंगवश चूंकि एनईपी की बात आएगी तो असेसमेंट की बात आएगी, इसको हमने नोट में डाल दिया, इसको एज एन एसेसर टू, मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी, स्पेशली फ्रॉम 360 डिग्री असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 360 डिग्री मूल्यांकन करने वाले हैं, उस दृष्टि से भी कीप ऑब्जर्विंग टू द स्ट्रेटेजिक प्लान डिजाइन। हम लोगों ने जो लर्नर के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिजाइन किया है, उसके प्रति बहुत गंभीरता के साथ हम लोग वॉचफुल रहें, यह आवश्यक है। क्योंकि हमने आगे लिखा है फॉर ए पर्टिकुलर लर्नर्स ग्रुप इन ए पर्टिकुलर क्लास, हम लोग अगर कक्षा कक्ष में भी हैं
किसी भी कक्षा का, मान ली हम क्लास 7 में है, क्लास 10 में है, क्लास 2 में है, तो उस हर एक क्लास में भी चूंकि भिन्न भिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं, सबका लर्निंग लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें भी हम लोगों को मालूम है, अनुभवी आचार्य होने का हमको पता है कि मिनिमम 3 स्तर के बच्चे कैटेगराइज हो ही जाते हैं। एक ऐसे है जो बहुत प्रतिभाशाली है, कुछ ऐसे है जो बहुत ही औसतन है, कुछ उससे भी नीचे होते हैं। इसी सेंस में हमने लिखा है कि कीप ऑब्जर्विंग टू द स्ट्रेटेजिक प्लान डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर लर्नर्स ग्रुप इवन इन ए पर्टिकुलर क्लास। तो जब इस इतने बारीकी से जब हम अपनी रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे, तो संभव नहीं है कि हम अपने मिशन में कामयाब ना हो। एंड दिस असेसमेंट ऑट टू बी फॉर फॉस्टरिंग द लर्निंग इन पार्टिकुलर। ये पास फेल करा के डिग्री देने इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि असेसमेंट इज डन एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, तीनों हम लोग जानते हैं। इन तीनों दृष्टि से मूल्यांकन की बात होती है, लेकिन हमने यहाँ भाषा कौशल को सिखाना हमारा लक्ष्य है। तो ये असेसमेंट पार्टिकुलरली इन ऑर्डर टू फोस्टर द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स है, शिक्षार्थियों ने सीखा कितना, इसके लिए इस असेसमेंट को यूज किया जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव। इसीलिए यहाँ पर स्लाइड में अंत करना चाह रहा हूं। अब इसमें चूंकि इस काम को करने वाले हम ही, और हम लोग बीइंग ए टीचर वी आर द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, हमने लिखा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्लाइड में कि हम केवल फ्रेंड फिलोसफर गाइड बच्चे के नहीं है, ऑफ द सोसाइटी इन जनरल है, क्योंकि हम लोग परिवर्तन के वाहक है। सीबीएसई भी चाहती है और अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि वी एवरी वन ऑफ अस बी द सेंटर ऑफ चेंज डिजायर्ड। इसीलिए सोसाइटी इन जनरल और आवर पीपल्स इन पर्टिकुलर मैंने लिखा है, इसको जरा गंभीरता से समझिए। तो वी ऑट टू कीप प्रमोटिंग द लीगेसी ऑफ द लैंग्वेज कल्चर, लीगेसी ऑफ द लैंग्वेज कल्चर, भाषाई भाषा की संस्कृति की जो विरासत है, इसको और प्रमोट करना। केवल चार कौशल सिखा देना मात्र हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो वर्तमान स्तर है उसको भी और अपग्रेड करना है। क्यों करना है? फॉर द गुडनेस ऑफ द सोसाइटी वी लिव, क्योंकि समाज के भलाई के लिए काम करना है, समाज को दिशा बोध देने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारे अकेडमीज होते हैं, और हम उसके ऐसे ही एक सशक्त एजेंट है, कार्यकर्ता है, जहाँ पर हमको ये काम करना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और साहित्य भाव साहित्यम, क्योंकि भाषा जिसका संबंध हमारे अंतःकरण से, हृदय से है, और ये जो है जिस रूप में हमारे पास उपलब्ध होती है वो साहित्य है। और मुझे साहित्य की सर्वाधिक सटीक परिभाषा यही लगती है, यहाँ भी संस्कृत के, हिंदी के, नहीं होगा दीदी जी, अब मैं माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय से आग्रह है कि आप अपने आप को कृपया अनम्यूट कर लें। सॉरी, ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर मैं इसमें आ रहा हूँ कि वो मैं चर्चा कर रहा था कि बहुभाषावाद को अंगीकार करने की चर्चा हम लोग सिर्फ भाषा, उन भाषाओं के चार कौशलों को सीखने मात्र के लिए हम नहीं कर रहे, बल्कि भाषा की जो संस्कृति है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पास साहित्यिक रूप में उपलब्ध है, उसको भी अपग्रेड करना है। काहे के लिए, किस लिए? फॉर द गुडनेस ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसके कल्याण के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, उसको युगानुकूल, उसके संवर्धन के लिए हमको इसको सीखना है, ताकि एक ऐसे साहित्य का सृजन कर सके जो समाज की दिशा बोध दे सके। इस दृष्टि से इतने उदात्त लक्ष्य को लेके हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के फिर अंत में वही बात आ रही है, भाषा के अंगीकार की। और मैं एक शेर
एक कवि हुए राजेंद्र किशोर निशांतर, उनकी एक कविता है वेदना, हो सकता आपने कभी पढ़ी हो। उसकी एक पंक्ति, एक जो अनुच्छेद है, पद्यांश आपके सामने रख रहा हूं। उसमें एक बीज की चर्चा है, वो बीज गहरे रेतीले चट्टान, रेतीली भूमि में चट्टान के नीचे दबा पड़ा है और वो बीज छटपटा रहा है बाहर निकलने का, बाहर की दुनिया में वो आना चाहता है, अंकुरित होना चाहता है, पुष्पित होना चाहता है, वृक्ष बनना चाहता है। उसकी वेदना को इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है और मैं चाहता हूँ वो बीज, मैं मान के चल रहा हूँ वो बीज हम सभी हैं कहीं ना कहीं। तो शेर की पंक्ति, वो कवि पद्यांश इस प्रकार है कि पत्थरों का तोड़ सीना, पत्थरों का तोड़ सीना चाहता जो पेड़ होना, पत्थरों का तोड़ सीना चाहता जो पेड़ होना, रेत के उन कणों का जो है नगीना। वो बीज जो है वो रेत के कणों का बिल्कुल जम है, पर्ल है। तो रेत के उन कणों का जो है नगीना, रेत की उर्वर शिलाएं ढूंढती हैं, वेदना अक्सर ऋषाएं ढूंढती हैं। तो ये जो ऋषाएं हैं, ये जो चीज है हमारे अंदर का वो इनर अर्ज है जो मल्टी लिविंग के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। मैं समझता हूं कि विद्वान इस आचार्यों के बीच में रखा गया ये विषय उनको इस दिशा में बिल्कुल, जिसको कहते हैं मैं इशारा कर रहा हूं कि भाई दूर में ये चांद है, मैं इशारा कर रहा हूं विद्वान अपने सह योगियों के साथ, उस दिशा में मेरे इस भाव को वो प्रस्तुत करने में जो मैंने कोशिश की है, तो इसकी दिशा में अपने प्रयास को इतना आगे बढ़ाएं कि हम एक बहुत ही बेहतर समाज के निर्माण करने के लिए, बेहतर साहित्य सृजन करने के लिए, स्वाभाविक के बेहतर साहित्य के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, वो हमको मिलेंगे, बहुभाषावाद से मिलने वाले हैं, वहाँ सामग्री मिलेगी। तो मैं चाहूँगा अपनी बात यहाँ समाप्त करना, आपने हमको बड़ी ध्यान से सुना और मैं चाहूँगा कि जैसा कि परिचयकर्ता ने इस बात की चर्चा की थी कि सेशन इंटरेक्टिव, अभी तो वन वे में ही बोले जा रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी अनुभूतियों को मैं शेयर करूँ और मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँ। तो मैं चाहूँगा कि जिनको इच्छा हो, जो होस्ट कर रहे हैं अपने रवि जी, उनके उसका अवसर दें कि अपने आप को अनम्यूट करें और अपने कुछ जिज्ञासा रखें जिससे मेरा भी वैचारिक संवर्धन हो सके। So, my dear audience, you are welcome with your interactive, mind-blowing questions for me especially. Thank you. Thank you, sir. As we understand that multilingualism is a good for us, and not only does the speaking more than the one language keep our brain healthy as we age, but it has also multiple benefits for the children too, such as the giving them an academic advantage and improving employment prospect once they leave the school. Moreover, multilingualism give us access to more than one culture and improve our understanding of our own culture. And as I discussed really, in the beginning really of... Ravi ji has summarized the entire gist of this very session, I hope. Okay. Ravi ji, okay. As we have just discussed that if anybody want to ask any kinds of the question, if anybody face some kinds of problem in their life, so please discuss in this session, live session. Please. चलो, मुझे लग रहा है कि दिन भर की थकान के बाद इस समय लिया जा रहा है सेशन, है कि नहीं? लगता है मस्तिष्क कभी इसके लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, और मैं चाहूंगा कि सबके पास मेरा संदेश पहुंचा है और इस दिशा में वो और आगे कुछ करें, और एक होमवर्क भी बनता है। मैं चाहूंगा कि ठीक है, ये मैंने अपने कुछ सुझाव दिए मल्टीलिंगुअल को इम्प्लीमेंट करने के, मैं उपस्थित सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा अपने लिए एक होमवर्क ले लें कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट मल्टीलिंगुअल इन योर प्लेस, इन योर स्कूल।
तो इस पर अगर चिंतन करेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तो आज का सेशन ये बहुत सार्थक होगा। Certainly, sir, we will. Thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का, आपने जो है अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई। निश्चित रूप से हम इसे जो है आत्मसात करेंगे, और आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि अगले जो रजिस्ट्रेशन अगला जो होने वाला है वो श्रीमान जी का ही के द्वारा ही लिया जाना है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वह देर रात आज 10 बजे के बाद जो है प्राप्त हो पाएगी, है ना। तो आप सभी जो है आज थोड़ा सा जगेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अथवा कल सुबह 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 प्रातः जो है आप लोगों के ग्रुप में लिंक चला जाएगा, आप जो है रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लेंगे, क्योंकि लगभग जो है 10:30-11 बजे से ही सेशन होना है। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इस सेशन को जो है सार्थक बनाया, इस सेशन को बहुत अच्छा जो है निर्माण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सभी के लिए 3 बार ओम शांति शांति शांति, और इस तीनों शांति के पीछे का भाव है वो व्यक्त होना चाहिए। पहली शांति ताकि हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जो भी उद्विग्नता है वो उससे मुक्ति मिले, दूसरी शांति हमारे पारिवारिक जीवन में है वो आए, और तीसरी शांति सामाजिक जीवन में, और इसको एम्पलीफाई करते हुए राष्ट्रीय जीवन में वैश्विक जीवन में शांति स्थापित हो, ये कामना करते हुए आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ठीक है, धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ इस सेशन का समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।